नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। पाकिस्तानी में प्रेमी रसरुल्ला के साथ 5 महीने बिताने के बाद लौटी अंजूर फातिमा के दिल्ली में होने की खबर है। वह दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। पहले पति अरविंद की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द कराने, बच्चों से मुलाकात की मांग को लेकर अंजू कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। बताया जा रहा है कि अंजू अपने वकील के साथ कोर्ट में जाकर याचिका दायर करेगी। विजेंद्र नाम के एक यूट्यूबर ने यह दावा किया है कि हरियाणा के झज्जर निवासी विजेंद्र खुद को मीडिया पर्सन बताते हैं और अंजू के भारत लौटने के बाद से लगातार उसके करीब दिख रहे हैं। विजेंद्र का कहना है कि अंजू कानून का सहारा लेकर बच्चों तक पहुंचेगी। अंजू ने कुछ वकीलों से संपर्क साधा है, यह कोर्ट में याचिका दायर करके बच्चों की कस्टडी मांगना चाहती है। इसके अलावा वह अपने खिलाफ भिवाड़ी में दर्ज FIR को भी रद्द कराने की मांग कर सकती है। 3 दिन पहले भारत लौटी अंजू ने अभी तक अपने पहले पति अरविंद से संपर्क साधने की कोशिश नहीं की है। बताया जा रहा है कि अंजू भिवाड़ी में अपने पुराने घर पर जाकर भी बच्चों की तलाश कर सकती है। हालांकि अरविंद ने वह घर खाली कर दिया है। अब यहां पर यह देखना है कि अंजू यहां अपने बच्चों को वापस कैसे ले पाएगी, क्योंकि इस बीच यहां पर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो अंजू है वो कोर्ट का यहाँ पर दरवाजा खटखटाती नजर आ रही है और फिर यहाँ अपने बच्चों से वो अपने बच्चों की कस्टडी लेने की बात कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू ने क्या क्या कहा है, ये भी चर्चा हो रही है। इसी बीच आपको बताते चले कि दिल्ली पहुँचने के बाद अंजू का यहाँ कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बच्चों ने सोसाइटी में मिलने से इनकार कर दिया है, लेकिन जब से जो अंजू दिल्ली आई है तब से अंजू गायब है। इस बात का अभी तक नहीं पता चल पा रहा कि आखिरकार अंजू गई तो कहाँ गई है, क्या वो पाकिस्तान चली गई है। और इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर अंजू के पति नसरुल्ला ने ये खबर बताई है पाकिस्तान मीडिया को कि अंजू अपने बच्चों को लेने नहीं आई है। अंजू का पासपोर्ट वीज़ा ख़त्म हो गया था, जिस वजह से वो भारत आई है और यहाँ बच्चों की आड़ में वो कुछ दिन रहने के लिए आई है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि अंजू अपने बच्चों को ले जाने में यहाँ सफल हो पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।